रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि रिवर्स रेपो रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं तीसरी तिमाही में 0.1% तो चौथी तिमाही में 0.7% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। ईएमआई में कमी की उम्मीद लगाए बैठे होम लोन ग्राहकों का इंतजार आरबीआई ने और लंबा कर दिया है। अनुमान के मुताबिक ही आरबीआई ने रेपो रेट में कोई कमी नहीं की है। ये लगातार तीसरा मौका है जब आरबीआई ने प्रमुख उधारी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19. दरअसल आरबीआई के कंफर्ट लेवल के ऊपर निकल चुकी महंगाई दर ब्याज दरों में कमी के रास्ते का ब्रेकर बन गई है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 2020-21 की तीसरी तिमाही में 6.8%, चौथी तिमाही में 5.8% रह सकती है। ऐसे में अगली पॉलिसी में भी आरबीआई के लिए रेपो रेट घटाना आसान नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर महंगाई दर को लेकर चिंता जता रहे हैं तो रियल एस्टेट मार्केट ब्याज दरें न घटने से परेशान है। The outlook for inflation has turned adverse relative to expectations in the last 2 months. While cereal prices may continue to soften with the bumper kharif harvest arrivals and vegetable prices may ease with the winter crop, other food prices are likely to persist at elevated levels. Festive season mein jahan pe real estate sales kafi strong the, iska karan ye hai ki home loan rates jo hain wo multi-year low pe hain. और प्राइसेस भी जो हैं वो काफी स्टेबल रहे हैं पिछले सालों से, और काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी थे फेस्टिव सीजन में, तो हमने काफी अच्छा सेल्स देखा है। और आगे जाके भी हम ये देखेंगे कि जो होम लोन्स की जो रेट्स हैं लो मल्टी ईयर लोज, उसके वजह से सेक्टर में अपटेक आएगा। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई को कंट्रोल में रखते हुए इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने का भरोसा जताया है। विकास दर के अनुमान में भी आरबीआई ने सुधार करते हुए 2020-21 में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -7.5% रहने की बात कही है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इसके पॉजिटिव जोन में आने का अनुमान है और ये 0.1% हो सकता है। वहीं जनवरी मार्च तिमाही में विकास दर 0.7% हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने इन अनुमानों को लगाते हुए फिर से दोहराया कि इकोनॉमी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। डेटा दैट हैव बिकम अवेलेबल फॉर Q3 2021 कंफर्म दैट द इकोनॉमी इज रिक्यूपरेटिंग फास्टर देन एंटिसिपेटेड एंड मोर सेक्टर्स आर जॉइनिंग द मल्टी स्पीड रिटर्न द मल्टी स्पीड अपटर्न दैट आई हैड हाईलाइटेड इन माई स्टेटमेंट इन अक्टूबर। उम्मीद है कि अब इन अनुमानों के रास्ते में कोरोना नहीं आएगा और वैक्सीन के आने से ये रफ्तार अनुमान से भी तेज हो जाएगी। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में तेजी आने पर ही किसी देश की इकोनॉमी टॉप स्पीड से दौड़ सकती है। खासकर इमर्जिंग मार्केट के लिए अकेले दम पर तरक्की करना बेहद मुश्किल है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि भारत समेत तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अगले साल जोरदार तेजी आ सकती है। भारत जैसे उभरते बाजारों में अगले साल आर्थिक तरक्की की रफ्तार काफी तेज रह सकती है, ये दावा किया गया है मॉर्गन स्टेनली की रिसर्च रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स में औसतन जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इन मार्केट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ को खास तौर पर 5 फैक्टर्स का सहारा मिलेगा। इनमें पहला फैक्टर है जनवरी 2021 से कोविड-19 का वैक्सीन लोगों की पहुंच में आना, जिससे ग्रोथ में तेजी आएगी। इसके अलावा विकसित देशों में विदेशी सामान और सेवाओं की मांग बढ़ने से भी तरक्की की रफ्तार को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, ज्यादातर अहम उभरते हुए बाजारों में फिर से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन होने का कम खतरा है, इससे भी उभरते बाजारों की रफ्तार रुकने की संभावना कम है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उछाल आया है। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स में ब्याज दरों में हुई कमी और बाजार में नकदी बढ़ाने के तरीकों का असर भी आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में कारगर होगा। कुछ इमर्जिंग मार्केट्स को कोविड-19 के चलते शुरुआत में दिक्कत हुई थी और उनके सरकारी खजानों में हालात से निबटने लायक कम रकम भी थी।
लेकिन हाल के महीनों में चीन को छोड़कर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की आर्थिक तरक्की तेजी से हो रही है। अगस्त से इमर्जिंग मार्केट्स का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक बार फिर से एक्सपेंशन मोड में यानी कि 50 से ऊपर चला गया। इसके बाद सितंबर में उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट पॉजिटिव हो गया और अक्टूबर में सर्विसेज पीएमआई विकसित बाजारों में लेवल पर पहुंच गया। मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के चलते लगी पाबंदियों के बढ़ाए जाने से विकसित बाजारों की जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सुस्त रह सकती है। इस बीच इमर्जिंग मार्केट्स की ग्रोथ में बढ़ोतरी बरकरार रह सकती है क्योंकि कोविड-19 का असर कम रहने से लॉकडाउन का जोखिम कम होगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो देश के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की इकोस्कोप रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ जनवरी मार्च तिमाही में पॉजिटिव होने का अनुमान है, जबकि मौजूदा तिमाही में ये -1 से 2% तक आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आने की चिंता बनी हुई है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इससे जीडीपी ग्रोथ मार्च क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखना यही है कि वैक्सीन के आने से पहले कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने में भारत कितना सफल रहेगा। इवन एज ग्रोथ आउटलुक हैज इंप्रूव्ड, डाउनसाइड रिस्क्स टू ग्रोथ कंटिन्यू ड्यू टू द रीसेंट सर्ज इन इन्फेक्शंस इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, other advanced economies and also in parts of India. We need to be watchful about the sustainability of demand after the festivals and a possible reassessment of market expectations surrounding the vaccine. अगर इस लहर के आने के बावजूद इकोनॉमी इसका मुकाबला करने में कामयाब रही तो फिर वैक्सीन के आने के बाद तो फिर आर्थिक रिकवरी की रफ्तार अनुमान से भी तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।